प्रीति रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये ब्रेड पकौड़ा बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो ब्रेड पकौड़ा के लिए मैंने लिया है वाइट ब्रेड। हम वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और बेसन लिए हैं हम 1.5 कप। बेसन को छान कर हम रख लिए हैं। नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। 1/4 छोटा चम्मच इसमें हींग का यूज़ किए हैं और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर है और आधा प्याज है, इसको छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। और फ्रेश हरा धनिया की पत्ती, इसको धोकर छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे और आधा चम्मच इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है और हरी धनिया की चटनी हम बना लिए हैं और इसमें हम टोमेटो सॉस यूज़ किए हैं। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है। अब हम एक बाउल लेंगे और बेसन को डाल देंगे। हम पकौड़ों के लिए बेसन का घोल तैयार करेंगे। बेसन में हम प्याज डाल देंगे कटा हुआ और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, हींग डाल देंगे और इसमें हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। नमक और मिर्च हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे और इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। हरी धनिया की पत्ती से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और सभी को हम मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करेंगे। एक बार हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम घोल तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला, इस तरह से घोल हम तैयार कर लेंगे। और 5 से 7 मिनट के लिए इस घोल को हम रख लेंगे। अब हम ब्रेड स्लाइस के ऊपर हरी चटनी को इस तरह से लगा देंगे। हरी चटनी को अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे और एक स्लाइस में हम टोमेटो सॉस को फैला देंगे। हम टोमेटो सॉस की जगह टोमेटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हरा धनिया की चटनी का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और सॉस का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम ब्रेड के ऊपर, चटनी लगे हुए ब्रेड के ऊपर दूसरा स्लाइस रख देंगे और इसे तैयार कर लिए हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई गरम करेंगे। जब कढ़ाई गरम हो जाए तो तेल डालेंगे और तेल गरम हुआ कि नहीं इसे चेक करने के लिए हम थोड़ा सा बेसन का घोल डाल देंगे। इससे पता चलेगा कि ये गरम हुआ कि नहीं। और ये गरम हो गया है। अब हम ब्रेड को बेसन में अच्छी तरह से लपेट कर तेल में डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। बहुत लो फ्लेम पर हम पकौड़ों को फ्राई नहीं करेंगे। नीचे जब थोड़ा ब्राउन हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। उलट पुलट कर हम ब्रेड पकौड़ों को अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसका कलर इस तरह से होना चाहिए, बहुत ही क्रिस्प बना है। अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरा ब्रेड का पकौड़ा भी हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसे भी निकाल लेंगे। अब हम सर्व करेंगे। इस तरह से हम काट देंगे बीच से और कितना अच्छा है ये दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें सॉस डालने से और चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे हम मनपसंद चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ऐसे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।